हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम घूमने आए हैं गांव, और गांव का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। ये हमारे साधु हैं मनीष उर्फ आशिक, और ये हमारे चेले हैं। अरे बैठ साधु, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम साले ठरकी इंसान हो, कुछ कुछ ना कुछ तो सोच रहे होगे जरूर। हाय, पार्क है यहाँ पे, घूम सकते हो आप, आके टहल सकते हो, देख सकते हो। लोकेशन आपको मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे घूम के एंजॉय कर सकते हो आप। देखो भैया, निपट जाओगे, आराम से चलाओ। ऐसा जब फूल आ जाएगा तो सोचूंगा सदुआ हंस रहा है और मुरझा जाएगा सोचूंगा सदुआ मर गया, बोझ रही है। मत तोड़ो, इसका इसका भी कोई सुगंध लेता होगा। क्या फायदा तोड़ के, अंजलि को देगा फूल, तोड़ रहा है अंजलि को देगा। दीवाने तेरे आशिक में गिरेगा भी ये नहीं चल पाया, शूट हो जाएगा। देख मेरा निशाना तगड़ा है, बेंचोत मारूंगा मर जाएगा। ये टेढ़े वाले पेड़ को एयरपोर्ट के मत मारो, वीडियो बनाओ। बताओ गांव का पोखरा है भैया, देख लो। कबूतर कहाँ है भे? कबूतर नहीं है भे, बतख है, बतख। ये देखो बतख तैर रहा है, बतख तैर रहा है यहाँ पे। अभी दूर दूर बतख वहाँ बैठे हैं, ऊपर आ गए हैं। देखो ये रहा बतख। मैं बैंक तीन बार, दो बार में या तीन बार में इसको पार कर दूंगा पैर के। और घुस जा इसी दम दम है तो घुस जा, दे 5,000 रुपया घुस जाऊंगा। पेंच 5,000 रुपये चाहिए। अगर साफ रहता तो पेंच तब तक कहना नहीं होता, तब तक पार कर लेता मैं। पोखरा में तैरना तो आ जाओ साधु, मजा ले लो पोखरे का। चाबी में पास नहीं है बे। अरे बहुत सारी के गौवा के पोखरवा हवे नहीं बा, अरे नहा लो। ये देखो हमारा चेला स्कूटी चालू कर रहा है, एक्टिवा चालू करो।